हमारा 200वां एपिसोड है और लाइक आई काइंड ऑफ फील थोड़ा सा स्पेशल, थोड़ा सा ऑनर्ड, क्योंकि ये जो हम लोग बातचीत करने जा रहे हैं ये हम लोग एक तरीके से शिव और शक्ति के ऊपर करने वाले हैं। बिल्कुल, नो डाउट। हालांकि जो इस तरीके के टॉपिक्स हैं उनके बारे में हम लोगों ने डिटेल में बात करी है हमारी जो नई सीरीज है द इंडियन वैदिक पॉडकास्ट में, शिव और शक्ति में फर्क, जो कि जल्दी आने वाली है, जो कि बहुत जल्दी आने वाला है। लेकिन मुझे लगता है कि अगर इस टॉपिक में भी यहाँ से शुरुआत करें बातचीत की, तो आई थिंक इट विल मेक सेंस एंड आई थिंक इट विल मेक दिस एपिसोड पर्टिकुलरली स्पेशल। ये अलग से इसको स्पेशल बनाएगा। बिल्कुल, नो डाउट। तो अर्श, लाइक हमारी वैदिक पॉडकास्ट की बातचीत के दौरान आपने एक बड़ी खूबसूरत बात बोली थी जो मुझे शायद हमेशा याद रहेगी। जब हम लोग शिव की बात करते हैं तो शिव में जो श के पहले जो ई की मात्रा है, ठीक है, छोटी ई की मात्रा है, वो एक नारित्व के उनके प्रतीक है। कहलो, हाँ, उनके नारित्व का प्रतीक है। बिल्कुल, नारित्व के साथ उनका एक किस्म की जो संधि हुई है, अर्ध नारेश्वर की हम लोग अक्सर जो बात करते हैं, ये उसका प्रतीक है। अगर शिव के अंदर शक्ति ना हो, अगर वो अर्ध नारेश्वर ना हो, तो शिव नहीं, वो शव हो जाता है। शव कहलाएंगे। शव जो है हमारे यहाँ डेड बॉडी बोला जाता है, जो कि मुझे लगता है कि यू नो इससे खूबसूरत और कोई एक्सप्लेनेशन रीजनिंग हो नहीं सकती। यू नो कि एक मैस्कुलाइन फेमिनाइन यिन यांग जो हम लोग जमाने भर की बातचीत करते हैं, ये बेसिकली है कि अगर शिव के अंदर एक पुरुष के अंदर शक्ति ना हो तो वो इज एज गुड एज अ डेड बॉडी। बिल्कुल, नो डाउट। तो अगर इसी कॉन्टेक्स्ट के बेस पे हम लोग जो है शुरुआत करें, इसी का फाउंडेशन बना के, तो अर्श, जब हम लोग बात करते हैं शव साधना की, जी हमने अक्सर बातचीत करी है और आपने अलग अलग सिनेरियोस बताए हैं जहाँ पे लोगों ने शव साधनाएं करी हैं। अघोर के आई थिंक जो स्टेजेस होते हैं अघोरी बनने के, तो उसमें से फाइनल जो जसवा जो स्टेप होता है जी, वो होता है शव साधना का। अपने आप में बहुत ही यूनिक, अपने आप में एक कंप्लीट सब्जेक्ट है शव साधना। बड़ा इंटरेस्टिंग है, बड़ा रिचुअलिस्टिक है, काफी रिचुअल्स इसमें होते हैं। और इसमें जो है जब भी एक यू नो एक सबकॉन्शियसली हम हमेशा अज्यूम करके चलते हैं, मान ही चलते हैं कि अगर कोई शव होगा तो एक आदमी का शव होगा जिसको बैठ के पूजा हो रही होगी। बिल्कुल, साधना हो रही होगी। बट व्हाट इफ यू नो, मेरे ऐसा बैठे बैठे मेरे अंदर ख्याल है कि यार व्हाट इफ अगर ये जो साधना जो है ये अगर नारी शरीर पे, क्या नारी शरीर को का इस्तेमाल अघोरी जान के नहीं करते, क्या उसको करना वर्जित होता है? तो हम लोग पहले तो इससे शुरुआत करते हैं कि नारित्व का अघोरपन से, क्योंकि आप अघोरपन से आते हैं जी, राम अशोक जी भी अघोरपन से आते हैं, तो नारित्व का अघोरपन से क्या लेना देना है? बहुत ज्यादा लेना देना है। और ये जो आपने बात करी ना, शायद मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया का कोई भी पॉडकास्ट इस चीज को बोलेगा नहीं, लेकिन मैं आपको बोलता हूँ ये बात कि अघोर पंथ में जो फेमिनिज्म है, जो नारित्व है एक तरीके से जी, जो नारी शक्ति है, उसका इस्तेमाल सबसे ज्यादा होता है, रादर देन अलग आप शिवत्व का कॉन्सेप्ट देखें उससे अघोर पंथ के अंदर। वो कैसे होता है वो भी मैं आपको बताता हूँ। जब बार बार मैं कहता हूँ शिव शिव, तो शिव का मतलब होता है, आपने देखा होगा कई सारे अघोरी हैं वो शिव 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 बोला करते हैं कंटिन्यू। अघोरी आप भी बोला करते हैं? मैं भी बोला करता हूँ, तो निकलता रहता है शिव महामाया, कुछ भी निकलता रहता है मेरे मुंह से। तो कहने का मतलब ये है कि द मोमेंट वो शिव बोलते हैं उनकी शक्ति बढ़ जाती है। अब ये एक दूसरे के पूरक है राहुल। जब एक अघोरी अघोरी बन जाते हैं तो उनके जो चरण होते हैं, जितने चरण उन्होंने करे होते हैं जी, वो चरण उनको ताकत देते हैं। लेकिन हमने आज तक सिर्फ अघोरियों के बारे में बात करी, कभी उनके चरण को इनडेप्थ में नहीं जाना है कि क्या है। जो आपने बात बोली उससे मुझे एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज याद आई जी। अगेन ये मैंने डिस्कशन भी वाले दूसरा वाले पॉडकास्ट में किया है, बट चाइना में एक बड़ा फेमस टर्म है शी एनर्जी, ची एनर्जी, शी एनर्जी इसको बोलते हैं जी। और कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि ये जो ची एनर्जी ये हमारे शिव के शी से ही आता है। तो अपेरेंटली शी शब्द के उच्चारण करने से आपके अंदर एक ऊर्जा का संचार होता है एक तरीके से। अब ये साइंटिफिकली रीजनेबल है कि नहीं मुझे पता नहीं, बट अगर मैं आपको ईमानदारी से बताऊं तो मैंने उच्चारण करके देखा कई बार, जब मैं मेडिटेशन वगैरह करता हूँ, ओम नमः शिवाय, शिव को जितना हम लोग गहरा लेके जाते हैं पेट से, जब आवाज निकालते हैं शी की, तो एक अलग एनर्जी महसूस होती है बॉडी के अंदर जी। सो दैट वाज फिजिकली, तो वो सच है। अब इसके अलग क्या और डायमेंशन हैं, प्लीज इसके बारे में जरा बात करिएगा बिफोर कि हम लोग शव साधना में आए। बिल्कुल, मतलब आप जब बोलते हो शी और वाह शिवा या फिर शिव शिव ऐसा करके बोलते हैं ना आप, कभी इसका उच्चारण मैं लिसनर्स को भी आज बोल रहा हूँ, ये ओपन में बोल रहा हूँ कि कभी शिव शिव कंटिन्यू आप दोहरा के देखिएगा, कुछ मत करिएगा, सिर्फ शिव शिव 15 मिनट तक दोहराइएगा,
और शिव जी का नाम लेने में कोई बुराई नहीं है बाय द वे, एक बहुत ही सात्विक प्रोसेस मैं आपको बता रहा हूँ। जब आप ये दोहराएंगे ना तो यू विल गेट टू नो कि आपकी बॉडी में कहाँ कहाँ क्या क्या है, आपको ऐसा फील होने लगेगा। ये मैं सिर्फ बोल रहा हूँ उस वजह से नहीं, आपको जो फील हो अपने हिसाब से आप देखो, आपको फील जरूर होगा। जब आप शिव 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 कंटिन्यू बोलोगे तो आपका ब्रेन कुछ अलग तरीके से रिएक्ट करेगा। अब ये अगर कोई माने ना माने, बट मैं एक बड़ी सिंपल सा बड़ा इनफैक्ट स्टूपिड सा एक लॉजिक देना चाहूंगा यहाँ पे कि जब मैंने इसको ऑब्जर्व किया तो शिव बोलने में होता है कि आपका मुंह एक तरीके का जेड हो जाता है, आप इस तरीके से हवा को रिलीज करते हैं एक मुंह के अंदर सॉर्ट ऑफ जेट बना के, जैसे जेट इंजन किया करता है। तो ऐसा करने से जाहिर सी बात है आपकी बॉडी के अंदर गर्मी बढ़ती है, तो ये चीज तो एक होती है जो कि आई थिंक बड़ी कॉमन सेंस वाली बात, नेचुरल फील होती है, नेचुरल आपको लाइक महसूस होती है। अब मैं आपको शक्ति का एग्जांपल बताता हूँ कि आपको शक्ति कैसे महसूस होती है। राहुल, आपने बहुत अघोरियों के मुंह से ये सुना होगा कि मेरे साथ दुर्गा है, मेरे साथ काली है, मतलब मुझे नहीं पता आपने सुना है कि मैंने पर, नहीं सुना है पर जब आप कभी किसी अघोरी से मिलेंगे तो वो स्वयं एग्जांपल देंगे, कहेंगे मेरे साथ काली चलती है, मेरे साथ दुर्गा चलती है। उनको आप गलत ना समझे, मतलब वो ऐसा नहीं बोलते कि भगवान चल रहे हैं उनके साथ, उनका कहने का मतलब है उनके साथ वो शक्ति चल रही है। आई मीन ये अब पहले मैं मानता था, आई थिंक काफी लोग अभी मानते होंगे, लेकिन मैं अब हाँ इस चीज को नहीं मानता, मे बी अपने सब्जेक्टिव माइंड के हिसाब से उनका ऐसा होता है, जैसे वो लोग जीते हैं जिस हिसाब से वो लोग रहते हैं। अगर और बिलीफ भी मान ले तो ठीक है, उसका बिलीफ है तो बिलीफ है, वो उनका अपना बिलीफ है। वो लोग ये नहीं कहते हैं कि दुर्गा काली चल रही, मेरा बताने का मतलब ये था कि वो जब ये बोलते हैं तो उनका कहने का मतलब ये एक एनर्जी है। जब वो काली का नाम लेते हैं, प्रचंड काली या फिर चंड काली का नाम लेते हैं जी, तो कहने का मतलब होता है उनके साथ एक रेज चल रही है शक्ति की, मतलब वो अपने ऑरा को उतनी जल्दी कन्वर्ट कर सकते हैं, मेरा ऐसा मानना है। उनके साथ शायद इतना तपोबल होता है, शायद इतनी पावर होती है, इट जस्ट लाइक हमारे अंदर कोई मशीन है, उसको स्टार्ट होने में 10 मिनट लगते हैं, ऐसे आप मान के चलो कि भाई हमने 10-15 मिनट शिव जी बोला और अब हमको फील हो रहा है। उनको शायद एक दो बार बोलने पे ही फील हो जाता है, उनका वो एक उन्होंने मैकेनिज्म बना लिया एक तरीके का। और जब ये लोग शव साधना करते हैं राहुल, तो ऐसा कहते हैं कि सबसे पहले जिसे याद करते हैं वो शक्ति का स्वरूप होता है। अब मैं आपको राहुल बताना चाहूंगा कि शक्ति का जो स्वरूप होता है जी, वो कितना इम्पोर्टेंट है, कितना महत्वपूर्ण है, शायद आपका सवाल भी यही था। एब्सोल्यूट। एंड ये जो हमारा एपिसोड है ये भी यही है, शक्ति शव साधना। अब मैं आपको बताता हूँ कि जब पहला चरण होता है अघोर का, तो कहते हैं कि पहले चरण में आपको कई सारी एंटिटीज का सामना करना पड़ता है फिजिकल फॉर्म में, मतलब ऑल्सो एक सवाल और इफ यू डोंट माइंड, ये ज्यादातर के अघोरी हमने हमेशा एक आदमियों को ही देखा है, तो क्या फीमेल अघोरीज भी होती हैं? बहुत होती हैं, बहुत होती हैं। उन्हें साध्वी बोलते हैं, और फीमेल अघोरी मिले हैं साध्वियों से, बहुत सारे बनारस में भी मौजूद हैं, बनारस के जो अघोर अखाड़ा है उसमें भी मौजूद हैं। बहुत अलग एनर्जी होती है, बहुत अलग एनर्जी होती है राहुल, मैं बताइए यहाँ से डिस्क्राइब नहीं कर पाऊंगा कि उनकी एनर्जी। पहले मैं शव के बारे में बताता हूँ कि क्यों हमेशा शव ही चूज किया जाता है। जो कह सकते हैं कि क्यों हमेशा मेल की बॉडी को ही यूज किया जाता है, फीमेल के ऊपर साधना होती है कि नहीं होती है। जी जी जी, पहले हम ये बताते हैं कि क्यों यूज किया जाता है। बात ये होती है कि जो शक्ति होती है, लेट सपोज जो नारी का शव होता है मान के चलो जी, उसकी बॉडी पर यदि आप साधना करेंगे बैठ के, तो ऐसा कहते हैं कि ऊर्जा इतनी ज्यादा हो जाएगी कि आप मतलब फट भी सकते हैं, आपका पूरा शरीर ब्लास्ट हो सकता है यदि आप ऐसे शव साधना करते हैं तो किसी लेडी के ऊपर। उसका एग्जाम्पल आपको सीधा मिलेगा, कई सारी ऐसी किताब हैं जहां पर मसानी चौकियों के बारे में लिखा हुआ है। मसानी चौकी मैंने आपको गुंगन मसानी के अंदर बताया था कि क्या होती है, एक चौकी होती है जिसे चार अघोरी मिलकर लगाते हैं और उसके बाद उस पर साधनाएं करते हैं। अब आप ऐसे समझे राहुल कि जब अघोरियों का दूसरा चरण होता है, जब वो औघड़ बनने के रास्ते पर होते हैं, तो कहते हैं कि माता मातंगी की पूजा करनी पड़ती है जो 10 महाविद्याओं में आती हैं, पहली महाविद्या है वो। अब जब आप माता मातंगी की पूजा करते हैं तो उस चरण में, अब राहुल इसको आप माने या ना माने लेकिन अघोर पंथ तो पूरी तरीके से मानता है कि उस चरण में आपको किसी ना किसी के रूप में माता मातंगी दिख जाती है, किसी स्त्री के फॉर्म में, किसी भी चीज के फॉर्म में जी। तो राहुल क्या होता है कि जब आप उस चरण में जाते हैं तो आपको एक स्त्री के ऊपर शव साधना करनी पड़ती है। नाउ आपको उसके ऊपर बैठना नहीं पड़ता है, दूसरे तीसरे चरण की मैं आपको बात बता रहा हूँ जो बहुत ज्यादा गोर है, मैं इन डेप्थ नहीं जाऊंगा, मैं चाहता भी नहीं कि मैं जाऊँ और अलाउड भी नहीं है। तो जितना अलाउड है मेरे गुरु के जरिए मैं उतना ही बता पाऊंगा आपको। तो उसमें क्या होता है कि तुम शव के बगल में बैठे होते हो, जो स्त्री शव होता है, नारी शव होता है, उसके बगल में बैठे होते हो,
तुमको सेम प्रोसेस करना होता है, मंत्रोच्चारण वगैरह सब कुछ जो शव साधना में मैंने बताया जी। एंड जिसने नहीं सुना है वो एपिसोड्स को बैक करके शव साधना सुन सकते हैं। राइट तो उसमें क्या होता है कि जब आप साधनाएं करते हैं तो राहुल कहते हैं अघोर के तीसरे चरण में आपको पहली महाविद्या के दर्शन होते हैं। मैंने शव साधना के अंदर क्या बताया था आपको कि आत्मा आ जाती है, शव उठ जाता है, पर जब स्त्री शव साधना कोई करता है वो भी अघोर के चरण में ही होती है और कहीं भी नहीं होती है साधना, कोई कर भी नहीं सकता। तो वो जो शव है स्त्री का वो उठ के बैठता है और वो शव कहता है कि मैं महाविद्या हूँ। ओके ये एक्चुअल वर्ड बोलती है कि मैं महाविद्या हूँ, ये संस्कृत में बोलती है बाय द वे, एक लैंग्वेज जो है, और संस्कृत भी छोड़ के वो द्रविड़ में बोलती हैं शायद से, ऐसा कहते हैं जो पहली ये सबसे पहली ध्वनि आई उसमें बोलती हैं। और ऐसा कहते हैं कि जब वो उठकर बोलेंगी तो उनकी आंखों की जो पुतलियां हैं राहुल वो गायब हो जाती हैं पूरी तरीके से, सिर्फ व्हाइट व्हाइट वाला पोर्शन रहता है। मतलब एक शव है जो अचानक से उठ के ये सब बोल रहा है कि मैं महाविद्या हूँ, ये सब संस्कृत में बोलता है, मैं आपको हिंदी में ही समझा रहा हूँ कि अहम महाविद्या अस्मि, मतलब वो इस तरह से उसमें बोलती हैं। और यदि तुमने उसका रिस्पॉन्स करा कि नमस्कार मतलब मैं आपकी साधना कर रहा हूँ या कुछ ऐसा करके, तो वो कहेंगे कि क्या तुम मुझे हमेशा के लिए साध सकते हो। ये सवाल होते हैं राहुल जो वो महाविद्याएं करती हैं किसी नारी के शरीर में आके। अर्श जब हम लोगों ने कर्ण पिशाचनी के एपिसोड में बात करी थी तो आपने कहा था कि कर्ण पिशाचनी जब आती है तो वो आपसे दो तीन ये करवाती है, वचन करवाती है, तो वो भी लाइक इस तरीके से डायरेक्ट सवाल जवाब होता है साधक के साथ। वो जो कन्वर्सेशन होता है वो साधक के साथ ही जवाब होता है, तो एंटिटी आके साधक से सवाल जवाब करता है। हाँ, लेकिन आप सुन सकते हो, आप ऐसा नहीं कि कंटिन्यू हो, मान लो प्रत्यक्ष ना हो, मान लो तुमसे अप्रत्यक्ष रूप से मिलना चाह रही हो, पर मैं जिस चीज की बात बता रहा हूँ वो सिर्फ और सिर्फ अघोरी ही फील कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता है, दुनिया का कोई साधक नहीं कर सकता। Until and unless वो अवघड़ ना हो, अवघड़ मतलब वो अगर चरण में ना हो अघोरी बनने के। तो तीसरे चरण की मैं आपको बात बता रहा हूँ, उसमें बहुत कुछ होता है राहुल, ये जो बहुत बड़ा टॉपिक है इसके बारे में हम लोग फिर कभी बात करेंगे अपने दूसरे वाले पॉडकास्ट में, इंडियन वैदिक पॉडकास्ट में। लेकिन राहुल जब माता मातंगी की पूजा हो जाती है जी, तो कहते हैं कि तुमने एक महाविद्या को जान लिया है, सिद्ध कर लिया है। भगवान शिव स्वयं दसों महाविद्याओं को नहीं समझ पाए थे। आप समझ लें कि महाविद्या कितनी बड़ी होती है, मतलब वो तो महा एनर्जी, आप ऐसे समझ लो सुप्रीम सोर्स ऑफ एनर्जी है वो। और वो आती हैं और उस अघोरी से पूछती हैं, उस औघड़ से पूछती हैं कि क्या तुम मुझे पूरी तरीके से साध सकते हो। और फिर कहते हैं कि अघोरियों को, आपने प्लैंक्स तो सुने ही होंगे राहुल, आप करते भी हैं इनफैक्ट, तो अघोरी को उस पोजीशन में आना पड़ता है और अपने मूलाधार चक्र पर एक दिया जलाना पड़ता है उस प्लैंक्स की पोजीशन में आके। ये योग में ही आता है एक तरीके का, मैं आपको बताता हूँ कि आप नीचे नहीं आओगे, कॉमन वो है, लेकिन उस पोजीशन में अघोरी कम से कम पूरी पूरी रात रहते हैं, 6 घंटा 7 घंटा तो रात भर प्लैंक करते हैं, रात भर उसी प्लैंक्स, मैंने देखे हुए हैं अघोरी, वो करते हैं, वो इससे भी ज्यादा कर सकते हैं। हठ योग जो होता है उनका राहुल, वो मतलब सोच के परे है। मैं ऐसा काफी सालों से मैं प्लैंक कर रहा हूँ और मैं मैक्सिमम प्लैंक मैंने जो किया वो 7 मिनट का किया है। मैं समझ रहा हूँ, लेकिन अब वो उनका एक अलग सोर्स है, उनका एक अलग सोचना है। मैंने कई सारे ऐसे अघोरियों को देखा है जो एकदम -15 डिग्री सेल्सियस पर बैठे हैं, उनको कुछ हो ही नहीं रहा है, वो अच्छे से ऐसे वीडियो सामने भी देखे हैं, वो तब कर रहे हैं, उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। इंडियन आर्मी ने जाके शूट किए थे सियाचिन के ग्लेशियर्स वगैरह पे, वहां पे वो सब हो गया। ऑल्सो मतलब कई सारे ऐसे अघोरी भी मिले हैं जो मतलब ठंडे पानी से नहा रहे हैं केदारनाथ में, वो वीडियो आया है जहाँ पर केदारनाथ में माइनस में टेम्परेचर, वो ठंडा पानी उठा के डाल रहे हैं, उनको मजा आ रही है। कई बार मुझे अर्श ऐसा लगता है कि हमारी बॉडी की कैपेसिटी क्या है, ये हम लोग बहुत ज्यादा अंडरमाइन करके चलते हैं। बिल्कुल, हमें नहीं पता होता, हमें नहीं पता होता, कई लोगों ने उसे एकदम लिमिट के पार जाके पुश किया है। देखिए जो हठ योग है अघोर पंथ के अंतर्गत, उसमें बहुत कुछ बताया गया है, उसमें बहुत सारी मुद्राएं बताई गई। इवन जैसे मैंने आपको चरण के बारे में जब बताया था अघोर के, अगर आप सुनेंगे तो उसमें अग्नि को सर पे रखना होता है बहुत देर तक, मतलब आम इंसान अगर रख ले तो बाल, दिए की बात कर रहे हैं ना, दिया रखना पड़ता नहीं है। वो मशाल होती है प्रॉपर, मतलब जलता हुआ बहुत सारे अंगार होते हैं, वो एक कटोरे के अंदर रख के मिट्टी के, उसको आपको सर पे रखना होता है और आपको अपने एक पैर पे खड़े होना होता है, ऐसे करके योग करना होता है इस तरीके का। अब उनका ये कहने का मतलब है जो हमारा सबसे ऊपर वाला चक्र होता है वो जागृत हो जाता है ये करने से, मतलब उनका अपना अपना तरीका है मानने का। और सेम कोई भी अगर योगा करता है तो वो लाइक समझ पा रहा होगा कि बेसिकली वो करना क्या चाह रहे हैं, आपकी बॉडी का एक बैलेंस होता है, बेसिकली वो एक बैलेंस को सेट करने जागृत करने की कोशिश। अब वो बैलेंस सेट हो जाएगा तो आप जागरूक हो जाएंगे।
लेकिन राहुल एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, जब वो प्लैंक्स जिसकी हम आपको बात बता रहे हैं जी, कि वो प्लैंक्स कर रहे थे, तो ये चरण की बात बता रहे हैं, उसमें करना पड़ता है। जैसे ही तुम प्लैंक कर दोगे, खत्म कर दोगे, तो तुम्हारी नाभि पर उसके थोड़ा सा नीचे जहां पे मूलाधार चक्र होता है जी, वहां पर एक कह सकते हैं कि हल्का सा छिद्र हो जाएगा या जल जाएगा वो पोर्शन। ओके, ये सभी के साथ होता है अगर वो अघोर पंथ में जा रहा है या फिर कर रहा है। और वो नाभि का जो वो पोर्शन होता है ना, जहां पर मूलाधार चक्र एग्जिस्ट करता है, वो बहुत ज्यादा वैलिडेट करता है कि वो अघोरी है। ओके, तो ऐसा कहते हैं कि जब रात भर आप एक शव के बगल में प्लैंक कर रहे हैं और नीचे दिया जल रहा है, तो कंटिन्यू जो आदमी है, जो अवघड़ है, उसे जो नारी शव है उसको देखना पड़ता है उसकी आंखें खुलवा कर। मतलब लेट सपोज आप प्लैंक कर रहे हैं, तो आपने जो शव का मुंह है वो अपनी तरफ कर दिया है और फिर आप उसे कंटिन्यू देख रहे हैं। तो अर्श, जब ये सीन चल रहा होता है कि साधक बैठा है, उसके सामने प्लैंक में एक लाश पड़ी हुई है, उसको देख रहा है, तो ऐसे में मतलब लाइक माहौल कैसा होता है उस टाइम पे आसपास का। अब कहते हैं कि उस वक्त बहुत सारे ऐसे जो प्रेत होते हैं वो भटकाने की कोशिश करते हैं, वो अलग अलग तरीके से आएंगे, हो सकता है तुम्हारे बचपन का रूप लेकर आए, हेलुसिनेशन होगा ये सब। अच्छा, आपको इस तरीके के विजन्स आते हैं, कई सारे विजन्स आएंगे, आप पगला जाओगे, ऐसा होता है। तो इतना आसान नहीं होता है राहुल अघोरी बनना, जो हम लोग कह देते हैं ना कि अरे अघोरी है या ऐसा है, और जो चरण होते हैं ना आपके बुद्धि के परे हैं उनके चरण। तो मैं आपको प्लैंक्स की बात बता रहा था, जब वो करते हैं इस तरीके से, तो कहते हैं कि उनकी आंखों में जो लेडी होती है, जो उसका शव होता है, उनकी आंखों में वो दिए की रोशनी पड़ती है। मतलब आपको प्लैंक तब तक करना है जब तक वो दिया जल रहा है, और उस दिए को ऐसे मुंह नीचे करके नहीं देखना है, उसकी आंखों में देखना है, तो तुम्हें समझ में आएगा कि वो दिया जल रहा है कि नहीं। अब आउट ऑफ नोवेयर वो जलता है वहां पे, और सुबह जब ये हो जाती है जी, तो कहते हैं कि अचानक से वो जो लेडी है, जो शव है, उसकी आंखें बंद हो जाती हैं और चेहरे पर स्माइल आ जाती है। मतलब साधना पूरी हो चुकी है, उस डेड बॉडी के चेहरे पे स्माइल आ जाती है, ये कहना चाह रहे हैं, और आंखें बंद हो जाती हैं, यानी कि सिद्धि पूरी हो चुकी है। और आंखें बंद होने का मतलब ये होता है, जैसे ही आंखें बंद होती हैं जी, वो जो औघड़ होता है उसके मूलाधार चक्र पर दर्द होता है बहुत जोर से। कहते हैं कि प्लैंक करेगा तो होना बनता है, बिल्कुल बनता है, लेकिन ऐसा भी कहते हैं कि ये इसलिए होता है क्योंकि माता मातंगी जो महाविद्याएं हैं, वो अपना कुछ अंश उन अघोरियों के मूलाधार चक्र में ट्रांसफर कर देती हैं, तभी वो आंखें बंद होती हैं। रात भर उनको देखना पड़ता है, एक टक, मतलब पलके झपका सकते हो बट उधर से नजर नहीं हटानी है आपको, ऐसा होना है। मतलब कोई आपको छू भी रहा है तो भी आपको देखना नहीं है, कोई कुत्ता भी आके इधर उधर घूम रहा है तो भी आपको कुछ करना नहीं है, ऐसा वाला सिनेरियो होता है पूरा का पूरा। ये सुनने में जितना इजी लग रहा है ना राहुल, लेकिन कभी ये सामने होगा तो नहीं भाई, ईमानदारी से ये सुनने में भी इजी नहीं लग रहा है जी। आई मीन आज के टाइम में जहाँ पे लोग, जब रील्स का टाइम चल रहा है, लोग 30 सेकंड फोकस नहीं बना पाते, अब रात भर किसी चीज को देखते रहे, एक पोजीशन में रहे, रात भर उसमें टिके रहे। तो राहुल मैं आपसे पूछूंगा, जैसे आप तो एक्सरसाइजेस करते हैं जी, कितना मुश्किल होता है प्लैंक्स के साथ? मैं अगर आपको एक कंडीशन दूं कि प्लैंक्स के साथ साथ आपको किसी को देखना है कंटिन्यू, तो कैसे फोकस? शायद ये जो अघोर पंथ का ये चरण है, ये फोकस पर बहुत ज्यादा डिपेंड है, क्योंकि इसके अलावा जो अलग अलग चरण होते हैं उसमें अलग अलग चीजें होती हैं, पर ये जो शक्ति शव साधना वाला चरण है जी, इसमें बहुत ज्यादा फोकस, बहुत ज्यादा आपको ध्यान लगाने की जरूरत पड़ती है। राइट, मुझे ऐसा लगता है अर्श की जो वर्कआउट का जो सबसे बड़ा मेजर एस्पेक्ट है, वो एस्पेक्ट ये है कि आपकी विल पावर कितनी है, आप कैसे अपने, अब आप जब वर्कआउट करेंगे तो भाई आपकी बॉडी आपको बताएगी तुमको थकान हो रही है, जब थोड़ा ज्यादा कर लोगे तो कभी कभी ऐसे भी ख्याल आते हैं अरे क्रैम्प हो गया है, कहीं हड्डी टूट ना जाए जमाने भर के, तो ऐसे में कैसे आप अपनी जिद में अड़े रहते हैं, दैट इज वॉट इज एक्चुअली यू नो आपकी बॉडी को एक अलग लेवल पे लेके जाता है। तो आई एम प्रीटी श्योर जो ये लोग भी कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो आपने बोला एक बैलेंस को बनाने वाली बात जी, तो आई थिंक मतलब अब मुझे नहीं पता उसके स्पिरिचुअल या पैरानॉर्मल उसके एस्पेक्ट्स क्या हैं, लेकिन आपकी बॉडी में फिजिकली बहुत चेंज हो जाएगा अगर आपने रात भर प्लैंक कर लिया। अगर आप वो कर सकते हैं तो मतलब आप तो आप मेरी नजर में किसी सुपर हीरो से कम नहीं है जी। वो अलग लेवल की पावर आपकी बॉडी के अंदर आ जाएगी अगर आप अपने कोर को उस लेवल पे बैलेंस करना अगर आपने सीख लिया तो। बिल्कुल, अब हम आते हैं राहुल की शक्ति शव साधना में और क्या होता है। ये सब होने के बाद वो जो बॉडी होती है राहुल, कहते हैं कि उसको ससम्मान जो अवघड़ होते हैं वो जला देते हैं जी, मतलब उसको समर्पित कर देते हैं। लेकिन कहते हैं कि सबसे पहली जो सेक होती है, अब सेक क्या होती है वो भी मैं बता देता हूँ, ये वर्ड शायद पहली बार आप सुन रहे हो मेरे से, सेक
ओके, तो इसका मतलब होता है कि जब चिता जल रही है, पता नहीं आपने नोटिस किया है कि नहीं, तो जो अघोरी होते हैं वो चिता की जो अग्नि होती है उससे अपनी बॉडी को सेकते हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है कि जो पंच तत्व है वो गॉड हो जाए, तुम्हारे शरीर में प्रधान हो जाए एक तरीके से। ओके, इसीलिए उसको सेक ली जाती है। तो कहते हैं कि अघोरियों के उस चरण में सबसे पहली सेक उसी महाविद्या के शरीर से होती है जब उसको जलाते हैं। राइट, तो उसकी सेक लेते हैं, उसकी कपाल क्रिया वगैरह सब करते हैं जी। और जिस कपाल क्रिया को करते समय वो डंडा यूज करते हैं, वो डंडा उनके साथ आजीवन रहता है। आपने देखा होगा कि एक डंडा होता है उस पे कुछ बंधा होता है। राइट, तो कहते हैं वो कपाल क्रिया करने के बाद का डंडा होता है, और वो भी शक्ति शव साधना के अंतर्गत। यदि एक अघोरी ने वो शक्ति शव साधना नहीं करी है तो वो अपने आगे के चरण तो भूल जाओ, मतलब वो उसके आगे की चीज भी नहीं कर पाएगा। ऐसा कहते हैं कि यदि उस जगह पर किसी की मौत हुई है, मान के चलो उदाहरण पे, देखा तो नहीं है मैंने लेकिन सुना है अपने गुरुओं से, तो उन्होंने बोला जैसे ही अगर तुम्हारा ध्यान हटता है तो कहते हैं कि आत्माएं स्विच हो जाती हैं, स्वैप हो जाती हैं। मतलब जब आप प्लैंक्स में बने हो तो तुम्हारी खुद की आत्मा उस लड़की के शरीर में चली जाएगी जो अवघड़ होगा, और जो महाविद्या है वो तुम्हारे शरीर में आएगी और खुद का दाह संस्कार कर लेगी। ये बहुत ज्यादा खतरनाक होता है, ये सुनने में भले ही कितना भी फिक्शन लग रहा हो, पर जो अघोरपन से है उनको जब ये सुनेंगे कभी पॉडकास्ट जिंदगी में तो उनको समझ में आएगा कि ये कितना ज्यादा डरावना प्रोसेस होता है। मतलब कि आप जिस शक्ति को साधने की कोशिश कर रहे हो वो शक्ति आप ही के शरीर में आके आपको जलवा दे रही है, आप अपना दाह कर दे रहे हो चिता में बैठ के। लेकिन आज मैं वापस एक्चुअली इस पॉडकास्ट की जिस सवाल से हमने शुरुआत करी थी मैं उस वापस आना चाहूंगा कि एक शक्ति साधना मतलब यानी एक नारी के शरीर पर साधना करना और उसमें या किसी मेल में साधना करने में फर्क क्या है टेक्निकली स्पीकिंग। देखिए जब हम किसी मेल या फिर इस तरह की जो हम तो नहीं खैर जो ऐसे लोग होते हैं जो सिद्ध तांत्रिक होते हैं हाँ, तो वो लोग जब शव साधना करते हैं तो उसका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ ये होता है कि वो अपनी साधना को और ज्यादा ताकतवर बनाना चाहते हैं जो उनके पास सिद्धियां हैं या फिर किसी प्रेत पिशाच यक्ष इन सब लोगों को साधना चाहते हैं। लेकिन जब नारी शव होता है तो उसका इस्तेमाल ये लोग इसलिए नहीं करते क्योंकि इस शव के अंदर महाविद्याओं का प्रवेश होता है, बाकी किसी भी अदर एंटिटी का प्रवेश वर्जित होता है ऐसा कहते हैं। मतलब अच्छा ही नहीं सकते क्योंकि इसीलिए फेमिनाइन एनर्जी को इतना ऊपर रखा गया है राहुल, क्योंकि 10 महाविद्याएं 64 कलाएं जो हमारी 64 कलाएं हैं शरीर की जिन्हें हम 64 योगिनियां भी बोलते हैं, क्योंकि जब माता ने अपने रूप दिखाए थे तो 64 योगिनियां निकली थी उससे, अलग अलग उन्होंने यू नो जेस्चर बनाए थे और उससे योगिनियां निकली थी अलग अलग। तो हमारा जो शरीर है जो पुरुष का जो शरीर है उसमें धारण करने की क्षमता है और जो महिला का शरीर है उसमें देने की क्षमता है, मतलब किसी चीज के लिए समर्पित होने की क्षमता है हमारे अंदर भी है, पर इसीलिए जन्म वो लोग दे पाती हैं हम लोग नहीं दे पाते हैं, यही कॉन्सेप्ट होता है। और इसीलिए नारी शव साधना के अंतर्गत महाविद्याओं का प्रवेश होता है और तभी जाकर कोई अघोरी और तभी जाकर कोई औघड़ एक अघोरी में कन्वर्ट होता है। अर्शी जो हम लोगों ने बात करी शव साधना की एक फीमेल पर्सपेक्टिव से, तो मुझे एक वाला एपिसोड याद आया जिसमें हमने तारननाथ तांत्रिक जी के बारे में बात करी थी। जी जी, एक वो कोई वेब सीरीज हम लोगों ने देखी थी जिसमें तारननाथ तांत्रिक और होइचोई पर मौजूद जिसमें महाविद्याओं का जिक्र हुआ था। बिल्कुल, आप भी मुझे याद है कि अक्सर माँ तारा का नाम लिया करते हैं जो कि शायद 10 महाविद्याओं में, शायद धूमावती माता पे एक एपिसोड कर चुके। बिल्कुल, तो जब भी इस किस्म के कॉन्वर्सेशंस होते हैं अर्श मुझे ऐसा लगता है कि हालांकि अब 200 एपिसोड हो चुके हैं लेकिन एक वीडियो हमने सिर्फ एक सतह को खाली छुआ मात्र है, खाली गुरेदा मात्र, और गहराई में अभी कितना कुछ बाकी है। अभी 10 महाविद्याओं पे तो आज तक हमारी बात ही नहीं हुई, कभी नहीं हुई है। बिल्कुल, तो अर्श मुझे ऐसा लगता है कि लाइक 200 एपिसोड के इस फिनाले में अगर मैं आपसे कहूं कि अब अगर हम लोग इस लायक हो चुके हैं कि हमारे अंदर एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग जब आ चुकी है तंत्र की, तो क्या अब हम लोग महाविद्याओं के बारे में और जो उनकी पूरी काउंसिल होती है माताओं की उसके बारे में बातचीत कर सकते हैं? हम लोग बिल्कुल उसके बारे में बातचीत कर सकते हैं, क्योंकि कुछ लोगों को शायद ये लगेगा कि ये दैविक है या कुछ ऐसा है, लेकिन उससे भी ज्यादा इन 10 महाविद्याओं को तंत्र की अधिष्ठात्री देवियां कहा जाता है।